पिछले 3 साल में जो नहीं हुआ वो आज के दिन मेरे टेलीग्राम चैनल पे हुआ है। और मैं अगर आपको कहूं कि आज के इतना साइडवेज मार्केट में हमने करोड़ों कमा लिया, तो ये बात दोस्तों झूठ नहीं होगा। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और आपको पता चलेगा कि उसका वैल्यू क्या है। देखिए, पिछले 2 दिन से पागलपना था दोस्तों। कल के दिन मैंने क्लियर कट निफ्टी का बाइंग लेवल दिया था कि भाई 19,573 के ऊपर बाय करो, 2 ग्रीन कैंडल बना दिया था, इससे अगर सस्टेन करेगा, और जैसे ही सस्टेन किया दोस्तों धमाका हुआ ऊपर की तरफ, 100 पॉइंट मूव दिया दोस्तों, हीरो जीरो पे भी पैसा 3 गुना हुआ मेरे पेड वाले ग्रुप पे। उसके पिछले दिन देखिए ये बात सुनना जरूरी है, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो लिंक पे प्लीज क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए। उसके पिछले दिन बैंक निफ्टी पागलपन था, बैंक निफ्टी का लेवल दिया था सेलिंग लेवल 44,331 के नीचे में सेल करने के लिए, मार्केट खुलते ही दिया 9:20 पे, और उसके बाद दोस्तों 400 पॉइंट नीचे गिरा। लेकिन आज मेरे भाई पिछले 3 साल में ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में कुछ अपडेट ना करूं, बट आज के दिन मैंने नहीं किया। 100% कन्विक्शन था आज के दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, इसलिए सुबह का 8:15 का मैसेज के बाद मैंने कोई मैसेज नहीं किया था, क्योंकि यार मैं आप लोगों का केयर करता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ भी दे दूं बस देना ही बोल के, और आप लोग मेरे लेवल पे ट्रेड करके कुछ भी लॉस करें बोल के। तो आज के दिन कंप्लीटली साइडवेज मार्केट, निफ्टी निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को देखिए, क्या था ये आज के दिन यार, क्या था ये। और मैंने दोस्तों कोई भी लेवल पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि आज लॉस होगा बोल के, और इसीलिए मैं कहता हूं यार आपका पैसा बचता, ट्रेड ना करके भी आज के दिन हमने पैसा कमाया, और क्वालिटी वाले ग्रुप पे भी लास्ट अपडेट था, कोई ट्रेड नहीं, फिर भी दोस्तों हमने पिछले 2 दिन धमाका किया। तो अब जाके फ्री वाले ग्रुप पे जुड़ जाइए। अब मंडे के दिन देखिए, मिड कैप एक्सपायरी है मंडे के दिन, और मिड कैप एक्सपायरी आज के दिन अलग ही आग लगा था, वही सर मोमेंट दिया, बट तीनों इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स कंप्लीटली साइडवेज। तो यार प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है ना ये एक एक्सपायरी स्पेशल वीडियो है। आप बोलोगे भाई मंडे के दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी है ना, क्योंकि 26 तारीख तो छुट्टी है, फिर बैंक निफ्टी निफ्टी का वीडियो कहां गया। देखो यार आप लोग मेरे भाई लोग हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और आप मुझे ही पूछते रहते हैं, प्लीज यार भाई साहब समझो फ्री में है, एक बार सब्सक्राइब को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, इतनी सी बात है, क्या ही बड़ी बात है यार, फ्री में है, सो देट 1 घंटे बाद में फिर निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल वीडियो, बैंक निफ्टी का सब कुछ डालने वाला हूं, तो वो वीडियो देखेंगे। ये मेरे भाई मिड कैप एक्सपायरी लवर के लिए, आप लोगों यार दिल से थैंक यू, मिड कैप एक्सपायरी अच्छा खासा लोग रेस्पॉन्स देते हैं। तो चलिए सीधे चालू करते हैं, लाया हूं मेरे भाई ऑप्शन चेन, लाया हूं स्पेशल ऑप्शन चेन में लेके आया हूं, ये भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मिड कैप से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अच्छे से वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए चीजों को, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर लीजिए यार, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू। देखिए मिड कैप एक्सपायरी में मंडे के दिन क्या करें, अच्छा खासा फॉल था, तो सिंपल हम चीजों को रखते हैं, ये फॉल कंटिन्यू कब रहेगा। पहला पॉइंट नंबर 1, प्लान नंबर ए, अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट या फिर लिटिल गैप अप खुला, उसके बाद 8,933 अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन किया दोस्तों, डेफिनेटली हम पुट के साइड ट्रेड बनाएंगे, कॉन्फिडेंटली पुट के साइड ट्रेड बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप खुला और 8,933 अगर ब्रेक डाउन किया, तो इसके पीछे सिंपल रीजन है, पीछे चले जाते हैं, पिक्चर क्लियर है मेरे भाई आपके सामने, आप देखिए देखिए जरा, यहां से अगर आप देखेंगे दोस्तों मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हुआ और 8,933 लेवल पे बॉटम बनाया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं ये देख रहा हूं, उसके बाद कंटिन्यूसली मिड कैप निफ्टी अपसाइड का मूव दिया, तो ये क्या था दोस्तों, कंप्लीटली कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन था जहां पे पहली बार बायर एक्टिवेट हुए थे। और आज के दिन अगर आप देखेंगे मार्केट आके वहीं रुक गया, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे दोस्तों मार्केट आके वहीं सपोर्ट को टच किया, करेक्ट, यहां पे देख सकते हैं 1:45 पे थोड़ा 2-3 ग्रीन कैंडल ऊपर गया, लेकिन आखिर में आता था फिर यहां से नीचे। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आज के दिन मिड कैप का पिटाई हुआ दोस्तों। तो अगर मंडे के दिन फ्लैट या फिर गैप अप खुला और जैसे ही ये लो टूटता है यानी कि 8,933, देन डेफिनेटली दोस्तों हम पुट बाय करेंगे, ये प्लान नंबर ए में रखना चाहूंगा। प्लान नंबर बी क्या है, देखिए प्लान नंबर बी में है दोस्तों बाइंग के साइड, अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट खुला
और थोड़ा गैप डाउन खुल के साइलेंट रहा, ऊपर नीचे एक घंटा हुआ। उसके बाद 8971 अगर ब्रेकआउट देता है, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है, तो एक हीरो जीरो का कॉल आप खरीद सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क बहुत रहेगा। क्यों मैं बोलता हूं, देखिए प्लान ए जो हमने डिस्कस किया ना वो बेस्ट प्लान है, लेकिन प्लान बी रिस्की है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों मार्केट का थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। देखिए लेवल में ड्रॉ करके रखा हूं, 9006 का लेवल देखिए, 9006 ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ओके दो बार सपोर्ट कहीं ना कहीं डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया है, यहां पे देखिए ट्रिपल बॉटम बना मार्केट फिर ऊपर गया, बट ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट, राइट। तो ये एक बार सपोर्ट था, दो बार सपोर्ट था, तीन बार टेस्ट किया और चार बार में मिड कैप निफ्टी ने तोड़ दिया, ये अभी रेजिस्टेंस तगड़ा रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, आज के दिन अगर देखेंगे मिड कैप निफ्टी खुला और फॉल होता गया नॉन स्टॉप, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे, तो ये कहीं ना कहीं एक स्विंग है। तो ये स्विंग के ऊपर अगर मार्केट दोस्तों डोमिनेट करना चालू करेगा तो ही कहीं ना कहीं बायर का ताकत दिखाई देगा और लाइक 8971 के ऊपर ही बाइंग के लिए कंफर्टेबल रहूंगा। कब? मार्केट साइडवेज हो के एक घंटे दो घंटे बाद अगर ब्रेकआउट करे तो, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब प्लान सी और डी पे जाते हैं, ये तगड़ा प्लान है। प्लान सी क्या है, अगर मार्केट बहुत बड़ा मंडे के दिन गैपअप खुल गया ना, कुछ मत सोचिए, पहला जो 5 मिनट कैंडल बनेगा लो टूटा पुट बाय करो। मार्केट खुला अगर गैप अप नीचे आया, थोड़ा ऊपर पुल बैक मारा, फिर अगर एक कैंडल क्लोज दे दिया इस स्विंग के नीचे पुट, ये स्विंग के ऊपर एना के एसएल, या फिर दोस्तों मार्केट गैप अप खुला बोरिंग सा हुआ ऊपर नीचे हुआ और फिर एक एम पैटर्न बनाया और इस तरह का अगर एम पैटर्न बना के लो ब्रेक कर रहा है पुट बाय करो। यानी कि गैप अप खुला तो सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे। सिंपल रीजन है दोस्तों, सिंपल रीजन है, आज के दिन अगर आप देखेंगे ये जो सपोर्ट है ह्यूज सपोर्ट, इसी के आसपास मिड कैप निफ्टी क्लोज दिया है। तो जो लोग भी आज के दिन कॉल बाय करके गए हैं इसी उम्मीद पे कि यार ये सपोर्ट है जहां से मार्केट एक बार उठा था, तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं पहली बार टेस्ट करने आया है, तो मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल जाएगा, मार्केट ऊपर उठ जाएगा। अगर उनका लाइक कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन सही रहा और मार्केट गैप अप खुला तो उनको दिखेगा प्रॉफिट। आप कॉल बाय करके गए हैं, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? ऑब्वियस सी बात है, आप प्रॉफिट बुक करेंगे मंडे मार्केट खुलते हैं, क्योंकि एक्सपायरी भी है। तो जो भी लोग दोस्तों यहां पे बाय करके गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट खुलते ही दोस्तों क्या करेंगे, सेल करना चालू कर देंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 100%। और चौथी बात दोस्तों प्लान डी ये है कि अगर मंडे के दिन ह्यूज गैप डाउन खुला ये प्लेस पे, मतलब अच्छा खासा अगर गैप डाउन खुल गया ना 100 पॉइंट ऐसे कुछ, तो हम और सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे, डब्लू पैटर्न बनते ही बाय करेंगे गैप डाउन अगर खुला तो, या फिर गैप डाउन खुला 5 मिनट कैंडल ग्रीन दो बनाया फिर एक रेड बनाया फिर अगर ऐसे प्राइस एक्शन दिखा रहे ऊपर की तरफ तब भी बाय करेंगे। इसके पीछे भी सिंपल रीजन है, उल्टा रीजन है जो मैंने आपको बताया। आज के दिन जो भी लोग दोस्तों ये रैली को टॉप से पकड़े, बीच में पुट बाय किए, आखिर में पुट बाय किए, तो जो लोग एसटीबीटी सेल टुडे बाय टुमारो एसटीबीटी दोस्तों लेके गए हैं, अगर उनको समझ लीजिए मंडे इतना बड़ा गैप डाउन अगर खुलेगा तो मेरे भाई उनके पुट वाले पोजीशन पे तो प्रॉफिट दिखेगा ना। अब वो भी वेट करेंगे क्या? अब कॉल वाले भी वेट नहीं करेंगे, ठीक वैसे क्या करेंगे जो भी लोग यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं सेल करके गए थे, जब गैप डाउन खुलेगा तो जो पोजीशन को एग्जिट मारेंगे तो क्या होगा, वो सारे पोजीशन बाय में कन्वर्ट होगा, तो यहां से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। तो डब्लू पैटर्न है और हायर हाई पे हम फोकस करेंगे। 8933 पे दोस्तों क्लोज दिया है मिड कैप निफ्टी। अब आ चुके हैं मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, एंड 8000 क्लोज कहां पे दिया है, 8933 पे। तो जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए निफ्टी में 50-50 पॉइंट का गैप रहता है, लाइक 19950, 20,000, 20,050, 20,100, बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट का, तो मिड कैप निफ्टी में 25-25 पॉइंट का गैप रहता है और इसका लॉट साइज भी आपको पता होगा 75 रहता है, जैसे कि 8,925, फिर 8,950, फिर 8,975, 25-25 पॉइंट का गैप रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 8,933 पे क्लोज दिया है, 8,933 ये प्लेस पे दोस्तों क्लोज दिया है, और यहां पे देखो यार क्या ही कॉल राइटिंग है, क्या ही कॉल राइटिंग है। 9050 पे देखेंगे 23 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, 23 लाख दोस्तों, और सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 9050 पे,
23 लाख, उसके ऊपर 11 लाख, उसके ऊपर 13 लाख, उसके ऊपर 12, 13, आप देखिए इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। 23 लाख सबसे हाईएस्ट बीडिंग लगा है, तो 9050 या फिर 9075 के ऊपर जब तक मिड कैप निफ्टी नहीं जाता, अच्छे से सस्टेन नहीं करता, तब तक तो बाइंग के लिए मत ही सोचो। अगर हाँ 9075 के ऊपर जाएगा तो ही दोस्तों बाइंग के लिए सोचेंगे। नीचे की बात करूं, पूरा चित्रा हो गए पुट राइट राज के दिन, उनका हालत खराब। अगर आप देखोगे -2 लाख पुट राइट वाइप आउट, माइनस होगा ही इतना तेजी से फॉल हुआ, -1 लाख पुट राइटर गायब, -95,000 पुट राइटर गायब, -20,000 पुट राइटर गायब हैं। और क्या मैं बोलूं यार, आप लोगों को सपोर्ट, कोई सपोर्ट है ही नहीं। 9000 पे देखिए 1 लाख पुट राइटर, उसके नीचे 1,43,000, उसके नीचे 8 लाख, यहां पे नंबर देखिए 10, 11, 13, 23, 13, सारे डबल डिजिट में है, यहां पे सारे सिंगल डिजिट में पुट राइटर, यानी कि बैंड बच चुका है ऑलरेडी, बट सहना ही बजना बाकी है। और अगर मंडे के दिन खुला और नीचे तरफ टूटा, अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, नीचे कोई सपोर्ट अच्छा खासा दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी जुड़ जाइए, और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और अभी मैं आ रहा हूं 1 घंटे बाद फिर निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल लेके, और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी सब डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। तो मैं अभी आ रहा हूं दोस्तों, रेडी हो जाइए सेकंड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, और अपने मम्मी पापा को हमेशा प्यार देना।